Dear student of class 9th of Bloomdale Academy, in a previous classes lecture we have read about the various number on the representation of the number line. Today it is a very difficult question, especially to representing the decimal expression in the number lines. Earlier you have read about the normal square root like root 5, root 2, root 7 on the representation of the number line. But in this question you have two details. You have to represent 9.3 under root on the number line. A student, before going to 9.3 detailing on the number line, representing on the number line, just we have to find out one thing. If this 9.3 प्लस वन बाई टू, ये स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा. जब भी कोई डिसिमल एक्सप्रेशन आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, और सेकेंड 9.3 माइनस वन बाई टू. स्टूडेंट अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, ये है 10.3 बाई टू एंड दिस इज द 8.3 बाई टू. मैंने आपको बताया था कि ये जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज ओनली थ्रू द राइट एंगल ट्रायंगल. इन द राइट एंगल ट्रायंगल दिस 10/3 9.3 प्लस 1/2 इट मीन्स 10.3 बाई टू इज टेकन एज ए हाइपोटेनियस एच एंड दिस 9.3 माइनस 1 बाई टू आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 8.3 बाई टू इट इज टेकन एज बेस बी. तो दिस इज द हाइपोटेनियस एंड दिस इज द बेस. इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑन ए नंबर लाइन, फर्स्ट स्टूडेंट वी टेक 9.3 ऑन ए नंबर लाइन. Means this is the 9.3 any unit you can take, just centimeter or inch, which is depend upon your suitability. You have to take a 9.3. This line length we can be increased up to the one unit another. Hence the distance of this to this, suppose student this is the A, this is the B. So A to B is taken as the 9.3 unit and this B to C is taken as the 1 unit. So now A to C is a 9.3 plus 1. अब स्टूडेंट आप इसका बाइसेक्टर लेते हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट समझने के लिए, थोड़ा सा टेंशन आपको देना पड़ेगा. आप जब बाइसेक्टर लेते हो तो नंबर लाइन को हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं, हम एक आर्क लेते हैं जस्ट दैट इज द मोर देन द हाफ ऑफ दिस. तो इस पे तो आर्क नहीं लिया जा सकता, बट स्टूडेंट आप देखोगे कि एक आप आर्क लोगे विच इज मोर देन द हाफ. इस आर्क से जब आप वन आर्क ऊपर और नीचे, जब आप सेम आर्क से आप इसको कट करते हो, ये कट करने के बाद जो लाइन आती है, दिस लाइन डिवाइड दिस लाइन इनटू द टू इक्वल पार्ट. इट मींस दिस बी टू सी इज व्हाट, ए टू सी इज द 9.3 प्लस 1. तो सिमिलरली दिस पॉइंट इज टेकन एज ओ, तो नाउ ओ सी इज व्हाट, 9.3 प्लस 1 एंड बाई हाफ. क्योंकि ये जो ओसी है, ओ पॉइंट है, एसी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. अब आप स्टूडेंट देखोगे कि यहां से यहां तक जो आपको मिला ये 9.3 प्लस 1 बाई टू जो मैंने एज ए हाइपोटेनियस लिया हुआ था, सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम 9
9.3 प्लस 1 बाई 2 में से अगर 1 को हम माइनस करें सबस्ट्रैक्ट करें तो आप देखो यहां पे 9.3 प्लस 1 बाई 2 से अगर 1 हम कम करते हैं सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9.3 प्लस 1 और ये 2 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2। जब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो 9.3 माइनस 1 बाई 2। अगेन देखो कि जो मैंने पहले आपको समझाया कि 9.3 माइनस 1 बाई 2 ये आपको सॉल्व करने पे मिलता है। ये कहां से आता है स्टूडेंट 9.3 प्लस 1 बाई 2 में से जब हम 1 को सबस्ट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझने की जरूरत है कि O to C जो डिस्टेंस है उसको मैंने कितना लिया है 9.3 प्लस 1 बाई 2 और जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे जो BC 1 है तो O भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा 9.3 माइनस 1 बाई 2। अब स्टूडेंट पॉइंट B पे हम क्या करते हैं पॉइंट B पे एक राइट एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है क्लास 8 में मैंने आपको डिटेल कर चुका हूं 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन है। एंड स्टूडेंट आप यहां पे देखोगे कि दिस लाइन इज द 9.3 प्लस 1 बाई 2 एक सेम आर्क का लेता हुआ एक हम यहां से क्या करेंगे एक सर्कल ड्रा करेंगे। इस सर्कल का रेडियस क्या है स्टूडेंट ये है आपका 9.3 प्लस 1 बाई 2। अगर सेम डिस्टेंस हम यहां पे भी लेते हैं तो चूंकि रेडियस एवरी पॉइंट पे क्या होता है इक्वल होता है तो ओसी जितना है उतना ही अगर इस पॉइंट को हम डी ले लें तो वो ओडी होगा यानी ओडी कितना हो गया 9.3 प्लस 1 बाई 2। तो इसमें आप देखोगे इन ट्राइंगल ओ बी डी हाइपोटेनियस इज आवर 9.3 माइनस 1 बाई 2 एंड हाइपोटेनियस बेस इज द 9.3 माइनस 1 बाई 2। अब हमें स्टूडेंट यहाँ पे हाइपोटेनियस मिल गया और बेस मिल गया जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस हाइपोटेनियस इज द 9.3 प्लस 1 बाई 2 एज पर द क्वेश्चन ओडी एंड 9.3 माइनस 1 बाई 2 दैट इज आवर बीटी सॉरी ओबी। तो ये आपका बेस मिल गया ये हो गया आपका ओबी और ये स्टूडेंट हो गया आपका ओडी। अब स्टूडेंट आप ये जानते हो एज पर द पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच अगर स्टूडेंट आप देखते हो तो क्या है 10.3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3 बाई 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल कैलकुलेशन में तो बहुत टाइम लगेगा बट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वन टाइम वी हैव टू टेक एन ए प्लस बी सेकेंड टाइम वी हैव टू टेक एन ए माइनस बी। यदि हम इसको ए प्लस बी लेते हैं तो आप देखोगे कि 10.3 और 8.3 प्लस करेंगे क्योंकि इसका डिन्यूमिनेटर इक्वल है तो ये होता है स्टूडेंट 18.6 बाई 2। ये आप कहोगे ए प्लस बी और जब हम ए माइनस बी लेते हैं स्टूडेंट तो 10.3 से 8.3 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 2/2 दिस इज द पी स्क्वायर। इफ यू सॉल्व दिस पी स्टूडेंट यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा इसको आप करोगे तो 9.3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 9.3। इट मीन्स जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपको 9.3 देगा। तो सिमिलरली इस फिगर में अगर हम आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी डी तो स्टूडेंट दिस इज द 9.3 प्लस 1 बाई 2 विच इज टेकन एज ए हाइपोटेनियस 9.3 माइनस 1 बाई 2 विच इज टेकन एज ए बेस। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसको हम पी बोलते हैं स्टूडेंट ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 9.3 जो हमें नंबर लाइन पे लेना था। इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज। अब स्टूडेंट ये जो बीडी हमें मिला ये कितना मिला हमें अंडर रूट 9.3 मिला। सेम आर्क का लेकर के एक और हम यहां से आर्क ड्रॉ करेंगे दिस आर्क कम्स इन दिस फॉर्म और बी टू ई इंक्रीज करेंगे दिस बी ई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
9.3 यूनिट ऑन द नंबर लाइन. सम अदर क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इन योर नोटबुक एंड इफ देयर इज द एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. जस्ट आई एम गिविंग द सम क्वेश्चन फॉर योर फॉर यू 10.4 एंड 4.3. आप इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिसका हम लोग सोल्यूशन नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे.